शेख झा की गिरफ्तारी करने की बात हो रही है, कैसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, देखिए किस तरीके से। हम नहीं बैठेंगे। पूरा दबाया जा रहा है। अगर हमारी शहादत होगी फिर भी आप लोग आंदोलन पर डटे रहिएगा। आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अभ्यर्थी अभिषेक झा की गिरफ्तारी हो गई है, लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार आंदोलन जो है वो करेंगे। अभ्यर्थियों का यह साफ आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है, तस्वीर देखिए किस तरीके से जो पुलिस की। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है, जहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो रहा है। यहाँ से शिक्षक अभ्यर्थियों ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के आवास तक जाएंगे, तो वहीं नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात होना असंभव है, लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आज आंदोलन जो है वो अभ्यर्थियों का देखने को मिल रहा है। तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये पटना का गांधी मैदान है जहां पर अभ्यर्थियों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है वो जारी है। तमाम ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है वो देखने को आपको मिल रहा होगा। जो पुलिस प्रशासन है अभ्यर्थियों को यह साफ कहते हुए नजर आ रही है कि ये आंदोलन करने की जगह नहीं है, आंदोलन यहाँ आप नहीं कर सकते हैं, तो वहीं आंदोलन करने को लेकर लगातार जो है कहीं ना कहीं। तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों ने ऐलान किया था और डोमिसाइल नीति वापस होने की मांग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन अभ्यर्थियों को पकड़ते हुए नजर आ रही है, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं पटना के सड़कों पर दिखते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो मजिस्ट्रेट हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं, अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आंदोलन करने की जगह नहीं है, आंदोलन करने के लिए परमिशन आपने लिया नहीं है, इसलिए आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। बता दें आपको कि अभ्यर्थियों में आक्रोश जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन कहते हुए यह नजर आ रही है कि आप आंदोलन नहीं कीजिए, आंदोलन करना कहीं ना कहीं उचित नहीं है, तो वहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। पटना के गांधी मैदान में मेरी मौजूदगी है, जहां पर एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन से अभ्यर्थी मिल रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो है आक्रोशित है, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आंदोलन हम करेंगे क्योंकि हमारी मांग पूरी नहीं हो। तस्वीर देखिए किस तरीके से क्या कुछ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सुनो, अगर इनको जाना है, धरना प्रदर्शन करना है, अभ्यर्थी नहीं को लेकर इनको करना है, तो गर्दनी भाग जाए, वो धरना अभ्यर्थी नहीं है। देखिए गर्दनी बाग जाए वो धरना स्थल है। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो मौजूद है, तो वहीं अधिकारी जो हैं अभ्यर्थियों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आंदोलन करने की जगह नहीं है। तस्वीर देखिए किस तरीके से आंदोलन जारी है और अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस देखिए किस तरीके से पकड़ते हुए नजर आ रही है अभ्यर्थियों को, देखिए किस तरीके से आंदोलन जारी है, तो वहीं अभ्यर्थियों को पकड़ा जा रहा है। देखिए अभिषेक झा की गिरफ्तारी करने की बात हो रही है, कैसे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, देखिए देखिए ये तो गोली मार दीजिएगा, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। पुलिस प्रशासन से हमें बैर नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम शांतिपूर्वक मार्च निकाले थे। नहीं बैठेंगे, आज हमारी हक की लड़ाई है, हम नहीं बैठेंगे। पूरा दबाया जा रहा है। अगर हमारी शहादत होगी फिर भी आप लोग आंदोलन पर डटे रहिएगा। आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। हमको
अभ्यर्थी अभिषेक झा की गिरफ्तारी हो गई है। लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार आंदोलन जो है वो करेंगे। अभ्यर्थियों का यह साफ आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ी है उसमें अभ्यर्थी को अभिषेक झा को बैठा के लेके जाया गया है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आंदोलन करने की यह जगह नहीं है, आंदोलन आप नहीं कर सकते। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं अभिषेक कुमार झा ST19 के मेरिट अभ्यर्थी, आपने सुना है गिरफ्तारी हो गई है और प्रशासन यह कहते हुए नजर आ रही है कि आंदोलन करने की जगह नहीं है, आप आंदोलन मत कीजिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।